नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टूल्स ज्ञानी पे। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नया स्पेशल खास वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही नामी टूल ब्रांड के बारे में हम बात करने वाले हैं, आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहला प्रोडक्ट जो दिखाता हूँ, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक सोने का हथौड़ा। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ये एक सोने का हथौड़ा नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक है पीतल वाला हैमर, जिसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं ये फाइबर वाला हैंडल लगा हुआ है। इसको जो कहते हैं स्लेज हैमर कहते हैं। जैसे इसकी दोनों तरफ जो गोल मुंह है तो उनको स्लेज हैमर कहा जाता है विद फाइबर हैंडल। और इसमें इसकी खासियत यह है कि आपने नॉर्मल हैमर, स्लेज हैमर, फाइबर हैंडल वाले भी खूब देखे होंगे, लेकिन ये जो है ये ब्रास वाला हैमर है। अब इसकी खासियत कहाँ काम आती है या कहाँ यूज़ आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो हैमर है जो यूजली यूज़ आता है, जो आप देख सकते हैं जहाँ पे हमको सॉफ्ट फेस हमको मुँह चाहिए होता है, जहाँ मैं ऐसी जगह पे जहाँ पे मेटल फैब्रिकेशन का काम हो या फिर कोई वुड का काम हो, या जो मैकेनिक भाई ऐसी जगह पे आओ जहाँ पे उनको स्टील की शीट्स को जो है शेप देना पड़ता हो, स्टील की कुछ चीज़ को उनको शेप देना पड़ता हो, जहाँ पे अगली चीज़ का नुकसान नहीं हो। क्योंकि ये जो सॉफ्ट मटेरियल से बनाया जाता है तो ये जो है अगली चीज़ का नुकसान नहीं करता है, उसको आसानी से उसको रीशेपिंग करने में मदद करता है। उसके लिए यूज़ में आता है ये हैवी ड्यूटी हैमर जो आता है जालानी कंपनी की तरफ से। आपने और नॉर्मल हैमर तो बहुत जगह आपने देखे भी होंगे, आपने यूज़ भी किए होंगे, उनको आप सब जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है एक स्पेशल हैमर है, आप स्पेशल जगह पे इनको यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी हैवी ड्यूटी चीज़ के साथ रहता है, इसमें ना कोई हैंडल निकलने का झंझट रहता है ना कोई बात रहती है। तो ये तो बात हो गई अब पूरा इस फाइबर हैंडल वाले हैमर के बारे में, जो कि ब्रेस वाला आपने देखा है। उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं पतला सा चिपिंग हैमर, ये भी फाइबर हैंडल के साथ आता है। अब इसको चिपिंग हैमर क्यों कहते हैं, क्या है, मैं आपको वो भी इसकी जानकारी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी एक तरफ जो मुंह आप देख रहे हैं छेनी, आप जो यूज़ करते हैं जो लोकल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, जो छेनी होती है जो चीजल होती है उसकी तरह इसका मुँह है। अब ये किस लिए काम आता है, ये तो ज़्यादातर जो हमारे जो वेल्डिंग वाले मैकेनिक भाई होते हैं उनके ये काम में आता है, या फिर जो मेटल का काम करते हैं उनके लिए ये काम में आने वाला सबसे ज़्यादा ये हैमर है। छोटा सा हैमर है लेकिन बहुत काम की चीज़ है, आपको शेप देने में, आपको कहीं पॉइंट लगाने में, उसके लिए यहाँ पे चीजल वाला मुंह दिया गया है। तो ये भी जो आता है ये भी जालानी कंपनी की तरफ से आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फाइबर हैंडल वाला लकड़ी का कोई झंझट नहीं, निकलने की कोई झंझट नहीं। तो ये भी जो प्रोडक्ट है ये जालानी कंपनी बनाती है और काफ़ी हैवी ड्यूटी चीज़ बनाती है। तो अब जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में चमकते धमकते ये पाने। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये पाने का सिर्फ मुँह है बाकी का शरीर कहाँ है, तो मैं आपको बता दूँ ये जो है स्पेशल पाने हैं, इनको कहते हैं क्रोफुट स्पैनर। जैसा कि आप जानते हैं जो क्रो मतलब आप समझ गए कौए का जो पैर के टाइप का दिखने वाला ये पाना है। अब इसमें यहाँ पे भी एक ये पॉइंट दिया हुआ है, ये क्या है मैं आपको पूरा इसमें समझाने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नॉर्मल पाना आता है वो कुछ इस तरह का आता है, ये आप नॉर्मल सब लोग जो है आप सब बेसिक जो गैरेज में यूज़ करते होंगे या रेगुलर ये कितने सालों से चला आ रहा है। अब ये जो स्पैनर है जिसको आप जो है रेगुलर हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं, और ये वाले जो आप स्पैनर देख रहे हैं इनको आप ये इनका यूज़ कहाँ पे आता है, जहाँ पे भी आपके कहीं टाइट स्पेस हो, मतलब आपके पास जगह बहुत कम हो जहाँ पे आप ये पूरा ये पाना यूज़ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ इतना सा स्पेस हो कि आप इस पाने को डाल के आप आराम से काम कर सकते हैं। और इसमें एक और फ़ायदा होता है कि जैसे भी हम इसको यूज़ करते तो इसमें इन पानों के मुकाबले ताकत जो है हमेशा ज़्यादा लगती है। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं आप सोच रहे हो, इनको ताकत कैसे लगाएंगे, इसको काम कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं इसके अंदर जो ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट जो है सॉकेट हैंडल का जो पॉइंट होता है, जैसे कि आप जानते हैं ये सॉकेट हैंडल इस तरह के होते हैं या रैचेट वाला होता है या टी टाइप जो भी होता है, उनको आप इसके अंदर लगा के आप आराम से जो है आप इससे काम कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए कोई आपका एंगल में कोई चीज़ दी हुई है जहाँ पे आप ये नॉर्मल पाना आपका नीचे से की तरफ नहीं जा सकता है, झुक के ऐसे डालना है, तो ये जो है आप इसकी मदद से आप आसानी से उस नट को खोल सकते हैं, आपको पूरा एंगल मिलेगा, आपको पूरा जो ताकत आपको चाहिए, क्योंकि आप एक नॉर्मल पाना पकड़ेंगे तो उसमें आपको पूरी ताकत नहीं मिलेगी। अब इसके अंदर आपको पूरा आपको एक्स्ट्रा ताकत भी मिलेगी, नट भी आपका आसानी से खुलेगा, और जो टाइट स्पेसेस होगी जहाँ पे पाना जाना पॉसिबल नहीं होगा, सॉकेट जाना पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ ये चीज़ जाएगी। तो ये एक नई चीज़ है जो आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं और काफ़ी स्पेशल चीज़ है, काफ़ी नई, अब जो इसकी डिमांड होती रही है काफ़ी जो इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्रीज़ में ये चीज़ मांगते हैं, तो उसके लिए जो है ये हैवी ड्यूटी ये भी जो है जालानी कंपनी की तरफ से आता है। आप देख सकते हैं ये भी जो है हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा। तो उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं ये है एक एडजस्टेबल रेंच, जिसको सिलाई रेंच भी कहते हैं, काफ़ी लैंग्वेज में एडजस्टेबल रेंच भी कहते हैं, काफ़ी लोग इसको पाइप रेंच भी कहते हैं। इसको जो है इसका ओरिजिनल नेम जो है एडजस्टेबल रेंच है,
ये भी आप देख रहे हैं, ये भी जालानी कंपनी की तरफ से आता है और ये भी आप देख रहे हैं फुल एडजस्ट हो जाता है। इसमें आप कोई भी स्पैनर की साइज़, जैसे आपको अलग अलग आप सेट लेते हैं वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये आप इसको किसी भी साइज़ में एडजस्ट करके एक सिंगल पाने से आप जो है सारा काम कर सकते हैं। ये भी जो है हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा। तो उसके बाद जो हम ये नेक्स्ट प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल प्लायर जो हर गैरेज की जान होती है, बेसिक चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा काम में आने वाली होती है। ये भी आप देख रहे हैं काफ़ी स्लिक डिज़ाइन और काफ़ी हैवी ड्यूटी चीज़ आती है जालानी कंपनी की तरफ से, ये प्लायर भी हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगी। उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं और एक बेसिक चीज़ की, जो गैरेज में सबसे ज़्यादा काम आने वाली होती है, वो होती है स्पैनर पाने। मैं आपको सब एक एक करके दिखाने वाला हूँ। अब काफ़ी बार जो होता है फोर व्हीलर में या ट्रक में या जेसीबी का जो गैरेज होते हैं उनमें जो है ओवरसाइज पानों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप देख रहे हैं 34x38 का पाना है, जिसमें 38 नंबर का हैवी ड्यूटी पाना, जिसमें हमको ताकत की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है ये भी जालानी कंपनी की तरफ से आप देख रहे हैं, इसकी शाइन देख रहे हैं आप, इसकी क्वालिटी देख रहे हैं आप, बिल्कुल मतलब इसकी तारीफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ अपने आप अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही है। काफ़ी शानदार क्वालिटी का आता है। इसमें भी हमारे पास जो बड़ी जो ओवरसाइज साइजेज़ हैं वो भी सब मिल जाएगी। उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन स्पैनर्स की। अब आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन स्पैनर्स, ये दोनों मेरे हाथ में है, एक जो है 21 mm है, एक ये जो है 14 mm है, 21 mm एंड 14 mm। अब आप देखेंगे इसमें भी कंपनी ने दोनों स्पेशलिटीज़ में रखी है। कुछ कुछ लोग जो है इसमें इलेप्टिकल पैटर्न वाला पसंद करते हैं, जिसमें ये प्लेन होता है, कोई भी इसमें डिज़ाइन नहीं होती है, कुछ लोग ये पसंद करते हैं, कुछ लोग ये नॉर्मल वाला जो स्पैनर जो शुरू से चला आ रहा है वो पसंद करते हैं। तो कंपनी ने इसमें दोनों का आपके पास ऑप्शन रखा है, आप दोनों ये ले सकते हैं, इनके सेट परचेस कर सकते हैं, सिंगल चीज़ भी आप ले सकते हैं। और इनकी भी आप फिनिश देखेंगे बिल्कुल हैवी ड्यूटी चीज़ आएगी, अच्छी क्वालिटी मेड चीज़ आएगी। उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं ये फिक्स स्पैनर की भी, आप क्वालिटी देखिए, शाइन देखिए, मतलब बहुत एक प्रीमियम चीज़ हाथ में लेते हैं, ऐसा लगता है कि हमने एक प्रीमियम चीज़ से काम कर रहे हैं। और कंपनी इतनी पुरानी है तो किसी को किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज जो आपको इसके प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि भाई आपको भी लगे कि हाँ भाई एक क्या शानदार चीज़ दिखाई है। उसके बाद जो अब लास्ट में जो हम बात करते हैं ये है, ये आप देख रहे हैं 13 mm का गियर रिंच स्पैनर। अब काफ़ी लोग भाई मैकेनिक भाई जो हमको कॉन्टैक्ट करते हैं, हमसे पूछते हैं, वो इन स्पैनर के बारे में पूछते हैं जिसमें ये रैचिट दिया हुआ है, जैसे कि आप इसकी साउंड सुन सकते हैं। अभी रैचेट का पर्पस ऐसा होता है कि आपको जहाँ पे नट में ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ती है वो ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक जब नट टाइट हो जाएगा ये ऑटोमेटिक जो है स्टॉप हो जाएगा और ऑटोमेटिक खोलेगा, इसमें सब आपका रैचेट काम करेगा, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो ये जो मैंने आपको सारे टूल दिखाए, अब जो आप इतनी देर से आप मेरे वीडियो में देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरे पास ये पेन जैसा कुछ लगा हुआ है भाई, तो ये पेन नहीं है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक है मैग्नेटिक टूल पिकर, जैसे कि आप भी देख सकते हैं क्या शानदार चीज़ है ये। कोई भी जैसा होता है मैकेनिक भाई काम कर रहे होते हैं, टू व्हीलर का हो, फोर व्हीलर का गैरेज हो या कुछ भी हो, नट बोल्ट होता है, कोई स्पैनर होता है इधर उधर गिर जाता है, या कोई टंकी में बाइक की जो सबसे ज़्यादा मैकेनिक भाई को प्रॉब्लम होती है, बाइक की टंकी में कोई पाना गिर जाता है, कोई बोल्ट गिर जाता है, उसको निकालने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी भारी से भारी चीज़ होगी उसको भी आसानी से ये जो है मैग्नेटिक टूल पिकर आसानी से उठा लेगा। ये एंटीना टाइप है और आप चाहे तो उसको देखिए कितना लंबा हो जाएगा, ये इतना लंबा हो जाएगा, एक पेन की तरह आपके यहाँ लगा रहेगा, आपको मालूम मतलब पता भी नहीं पड़ेगा और आपके सबसे काम में आने वाली चीज़ बन जाएगी आपके गैरेज में। ये छोटा आइटम क्या, ये बड़ा आइटम भी आप देखेंगे तो ये आसानी से उठा लेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 41 नंबर का इतना बड़ा स्पैनर है, इसको भी इसने आसानी से उठा लिया, इतना पावरफुल इसका मैग्नेट है, आप सोच सकते हैं। तो ये भी जो है हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा। तो अब जो है फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको सारे टूल्स दिखाए हैं ये सब काफ़ी हैवी ड्यूटी क्वालिटी के टूल्स आते हैं जालानी कंपनी की तरफ से, और आपको अगर इनमें से कोई भी टूल अगर पसंद आता है तो आप जो मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनको रेगुलर अच्छी तरह यूज़ करेंगे तो ये आपकी एक लॉन्ग लाइफ की चीज़ बन सकती है, आपके गैरेज का बहुत अच्छा साथी बन सकता है। तो आप जो है बिल्कुल बेझिझक होकर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जालानी की ये टूल जो मैंने दिखाए हैं, इनके अलावा आपको कुछ और भी चाहिए वो भी आप हमारे शॉप से परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे और वीडियोस के लिए टूल्स यानी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।